ओ गांड के ओकर जोन धुतकारी बा ना ऐसे जरत होई पर पुतकी में पुतकी सटैले होखन। हाँ। अगर जे हमारा ओकरा योनी में हमार योनी सटल होई। हाँ। समझते हैं। हाँ। सील उसको तोड़ने की आदत है ना भाई। हाँ। किसका किसका नहीं सील ओकरा की ना देखी ना। अच्छा तो बिलारी नहीं सन लागल है बिलाई सन ना इतना सुंदर अखवा तोरे खानदान में कोई के होई। नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तूफानी लाल और सोना पांडे का। अभी एक महीना पहले एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का। सेम वैसा ही, सेम टू सेम ऐसा ही केस जो है देखने को मिल रहा है। सोना पांडे का कहना है कि हमसे जो है शादी का वादा करके और अब जो है तूफानी लाल हमसे मुंह मोड़ लिए और हमसे जो है बात भी नहीं कर रहे हैं और एल्बम में जो है नेपाल वाली का और यूपी वाली को ले रही है, कुछ इस तरीके से कहना है। बाकी इसका क्या सच्चाई है, चलिए हम वीडियो में जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये जो है फिल्मी इंडस्ट्री में ये सब जो है आम बात है। बहुत सारी लड़कियाँ कहती है ना कि अगर काम चाहिए तो फिर बेड शेयर करना पड़ेगा। तो ये बात जो है कहीं नहीं हर जगह पे अधिकतर जो है और ख़ास करके फिल्मी इंडस्ट्री में जो है लागू होता है। आपने एक सुना था कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है पहले जमाने का बहुत बड़े सुपर स्टार थे, हीरो थे। उन्होंने कहा था कि बिहार का कोई भी लड़की जो है फिल्मी इंडस्ट्री में नहीं जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनका बेटी ही, उनका घर का लक्ष्मी ही चला गया उस इंडस्ट्री में। तो भाई बहुत सारे बिहार के लोग जो है उनको गाली भी दिया, चाहे वो मुंह पर हो चाहे पीछे में हो, गाली भी दिया। ये बात कहीं का छुपा नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए आज जान लीजिए। इस तरीके से हुआ था। तो शत्रुघ्न सिन्हा को पता था किस तरीके से होता है, क्योंकि भैया पुराने ज़माने का जब अमिताभ बच्चन फिल्म बनाते थे उनके साथ में, कई उनका फिल्म है, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े जो दुर्रम खान है उनके साथ में जो है शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्म है, आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो सही बोले। और अभी भी बहुत सारे लड़कियां जो है मीडिया पे आकर के ये बताती है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम चाहिए तो बेड शेयर करना पड़ेगा। जी हाँ, बेड शेयर करना पड़ेगा। चलो मानते हैं बेड शेयर करना पड़ेगा, जब आपको पता है तो फिर आप जो है कुछ पैसे, कुछ लालच की वजह से, नेम फेम की वजह से जाते हैं कि वो, जब आपका इज्जत इतना प्यारा है, चाहे कोई भी लड़की हो, सोशल मीडिया पे आकर के खुद को सही बताने के चक्कर में और लोगों को जो है अगला को गलत बताएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि ये बात जो है सब जानता है कि फिल्मी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में आखिर चल क्या रहा है। तो फिर आप जो है अगर आपके अंदर में टैलेंट है तो फिर किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, अन्यथा मत जाओ, नहीं तो फिर करना पड़ेगा और आपको सहना पड़ेगा। तो आप जो अगर फिर चल जाएंगे, अभी जैसे कि देखिए सोना पांडे के, और सोना पांडे बता रही कि पहले जो है और तूफानी लाल के नज़रों में जो मेरी आँख है और नागिन जैसी लगती थी, लेकिन अभी जो है तूफानी लाल बता रहा था एक इंटरव्यू में कि उसका जो आँख है बमबिलरी जैसा लग रहा है, कुछ इस तरीके से जो तूफानी लाल बता रहा है। वहीं पर दोस्तों ये जो सोना पांडे जो है बहुत अशब्द भाषा का जो है यूज भी कर रही, गाली भी उसको दे रहा है तूफानी लाल का। और बाकी दोस्तों तूफानी लाल का कहना है कि वो जो है नशा करती है, सुलेशन लेती है वगैरह वगैरह, मतलब ये जो है उनको दोषी ठहरा रहा है और वो जो है इनको दोषी ठहरा रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों सच्चाई तो है। बाकी आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या निकल के आएगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन निकल के आएगा, क्योंकि प्रियंका जो है चिल्लाते चिल्लाते बाइट देते देते थक गई। क्या रिजल्ट आया ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और बाकी देखिए, अब सोना पांडे का नंबर है, कल कोई और पांडे जी का नंबर आएगा, इस तरीके से जो है चलते आएगा, कोई बात नहीं। आपको क्या कहना है हमें कमेंट में जो बताइएगा। मेरा बस एक ही कहना है कि टैलेंट है आपके अंदर तो फिर आओ, ना अन्यथा मत आओ, नहीं तो अगर आती हो तो फिर ये सब करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्या करना है आपको कमेंट में जो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।